कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग स्टार्ट किया है इवनिंग से, और अभी घड़ी में बज रहे हैं 5। तो गाइज ये जो आप देख रहे होंगे थोड़ा फेस पर पिंक फ्लैश आ रहा है, वो इस लाइट की वजह से आ रहा है। गाइज ये लाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज मैं सो के उठी हूँ, तो मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा मतलब बाहर थोड़ा टहलने वहलने का, क्योंकि शाम के टाइम पर थोड़ा मन करता है ना। तो चलते हैं गाइज, फिर होके आते हैं। तो गाइज अब मैं हर्ष के साथ आ गई हूँ बाहर थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि मैं बोल रही थी कि कोई तो चलो मेरे साथ, क्योंकि मुझे अकेला थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हम लोगों के साथ भी आया है चीकू, तो ये हम लोगों का बॉडीगार्ड बन के चल रहा था। मतलब हम लोग चल रहे थे और वो आगे आगे चल रहा था, और फिर पीछे मुड़ मुड़ के देखता कि हम लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये गाइज मैं आई हूँ अपने घर के साइड में, और यहाँ पर थोड़ा मतलब टहलने वाला बड़ा मज़ा आ रहा था। अब मैं घर पर जाती हूँ। तो अब गाइज मैं हर्ष के साथ थोड़ा सा टहल के बाहर घूम के आ गई हूँ, और इतने में मम्मी ने बोला कि चलो अब पूजा करते हैं, पूजा का टाइम हो गया है। और हम लोग कर रहे थे 6 बजे के टाइम पर पूजा, क्योंकि मम्मी बोलती है कि 6 बजे के टाइम पर, 6 बजे तक मतलब मंदिर में दीपक जल जाना चाहिए शाम के टाइम पर। तो बस गाइज मम्मी के साथ मैं कर रही हूँ पूजा, और हम लोगों ने एक रूटीन बना लिया है कि हम लोग वैसे पूजा वूजा के लिए टाइम ही नहीं कर पाते थे, तो मम्मी ने बोला कि जैसे 6 बजे अपने आप समझ जाओ कि ये पूजा का टाइम है, और 6 बजे हम लोगों को पूजा कर ही लेनी है। गाइज हम किसी चीज़ का अगर टाइम टेबल बना लेते हैं ना, तो फिर सही रहता है और काम टाइम से भी हो जाता है। देखते हैं हमारी मम्मी क्या कर रही हैं यहाँ पर। मम्मी क्या कर रही हो? मिर्च करौंदे काट रही हूँ। यहाँ दाल चावल के संग में खाते हैं ना, वही है। अच्छा मिर्च बना रही हो? गाइस मेरे हाथ मम्मी के हाथों की मिर्च मतलब सुनते हुए पानी आ गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी अभी मम्मी कैसे बना रही हैं। तो अभी मम्मी कर रही हैं इनको कट, और फिर उसके बाद मम्मी क्या करोगी, छौंकोगी ना? फ्राई करूँगी। फ्राई करोगी? अच्छा, तो उसके बाद मम्मी करेंगी फ्राई। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस मम्मी के हाथों का खाना, मम्मी के हाथों की मिर्च, उसकी बात ही अलग होती है ना मम्मा। मक्खन लगा रही है? नहीं मैं मक्खन नहीं लगा रही। करके लाओ उसमें ग्रीन चीज, उसमें नहीं वॉश करके खाना। मुझे समझ नहीं पा रही है। हमारे घर में मतलब होता है ना कि बच्चे फ्री दिखते हैं, इधर आ जरा चल ये कर दे, इधर आ जरा चलो वो कर दे, ऐसे एक दूसरे को काम पकड़ाते रहते हैं। जो अभी पूर्ति पढ़ के आई थी, तो पूर्ति से बोला कि पूर्ति चलो टमाटर वॉश करके लेके आओ, हरी मिर्च दो। वैसे तो खेलती रहेगी, और काम की कह दो ना तो ही बस मुंह बनाने लगे कि तुमसे काम की क्यों कह रहे हो, मुझे पढ़ना है, और ऐसा बोलती है। और मैं नाइफ मम्मा, हाँ हमारी दीदी बहुत काम करती है, एक हमारी निर्दोष है वो बहुत काम करती है, छोटी वाली है वो नहीं काम करती। और छोटी वाली के रिएक्शन देखो। तो यहाँ पर हो गया है चीकू के खाने का टाइम। तो वैसे इतनी बार मैंने वीडियोस बनाई हैं, बट एक भी वीडियो में मैंने अभी तक चीकू को खाना देते हुए वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज मन किया कि आप लोगों के साथ दिखा दूँ कि चीकू को मैं खाना कैसे खिलाती हूँ। तो गाइज मैं ना इसके साथ थोड़ा मतलब मस्ती कर करके खाना खिलाती हूँ। जब मैं इसको सीधा बाउल में दे देती हूँ ना, तो फिर ये शान सा खाता रहे, तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मुझे पसंद है इसके साथ थोड़ा ऊधम करते हुए इसको थोड़ा खाना खिलाना, ब्रेड इधर घुमाना उधर घुमाना। तो गाइज मतलब इसके साथ मैं वैसे भी ये थोड़ा मस्ती कम करने लग गया है, क्योंकि ये बड़ा हो गया है। जब ये छोटा था गाइज तो मेरे साथ बहुत मस्ती करता था, मतलब मैं जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ वहाँ जाता था। तो अभी थोड़ा बड़ा हो गया है ना, और ये थोड़ा अब शान सा रहने लगा है, तो मैं इसके साथ मस्ती की थोड़ा मौके ढूंढती रहती हूँ कि इसका कुछ एंटरटेनमेंट करूँ मैं इसके साथ। तो मैं इसको गाइस कभी सीधे से खाना खिला ही नहीं सकती हूँ, मतलब मम्मी भी मुझसे बोलती हैं कि तो हमेशा ऐसे ही करती है, उसको बेचारे को सीधे से खाना दे दिया करो, शान से खा लेगा। बट गाइस मेरी इसके साथ में उदम करने की आदत बन चुकी है, और मैं इसको कभी सीधे से खाना नहीं खाने देती, कभी इसके ऊपर ब्रेड रखूँगी, कभी कैसे करूँगी, कभी कुछ करूँगी, इस तरीके से मैं उदम करती रहती हूँ। तो गाइज अभी मैं शॉप पर जा रही थी इसके लिए ब्रेड लेने के लिए, तो ये समझ जाता है कि हाँ मैं शॉप पर क्यों गई हूँ, ब्रेड लेने के लिए गई हूँ। और मैं कुछ अगर सामान अदर सामान भी लेने जाऊँगी ना, तो अभी ये मेरे साथ चल देगा और ज़बरदस्ती ब्रेड लेके ही आएगा वहाँ से, बोलेगा मतलब ऐसे इशारे में बोलता है कि हाँ, मतलब वहाँ से हटेगा नहीं, मतलब बोलता है कि हाँ मेरे लिए ब्रेड तो लो।
तो बस गाइस हर्ष भी देख रहा था हम लोगों का तमाशा और ये हर्ष थोड़ा मस्ती मस्ती में चल गया, उसने देखा वीडियो बन रही है तो वो मस्ती मस्ती में चला गया। तो गाइस चीकू का जब तक पेट नहीं भर जाता तब तक मैं खाद खिलाती जाती हूँ। जैसे इसका पेट भर जाता है ये अपने आप ब्रेड छोड़कर चला जाता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि हाँ अब इसका पेट भर गया अच्छे से। गाइस हम लोगों को ना कुछ एंटरटेनमेंट करते रहना चाहिए, इससे क्या होता है ना कि हम लोगों को बड़ा अच्छा फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा मतलब हंसी मजाक वगैरह। तो ये देखिए गाइस मैंने इसकी पीठ पर रख दी थी अभी ब्रेड, और इसको मतलब ऐसे पीछे देख रहा था कि क्या रख दिया। तो अभी इसने ब्रेड ले तो रही थी लेकिन ये नीचे छोड़कर चला गया, मतलब ये बता रहा था कि मेरा पेट भर गया। तो गाइस मैं भी चीकू को ब्रेड खिला रही थी, तो सॉरी गाइस मैं आप लोगों के लिए ये मिर्च की वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं जब ये मिर्च नेक्स्ट टाइम मैं बनेंगी तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मैं चीकू को ब्रेड खिला रही थी तो मैं वीडियो बनाना भूल गई, और इतने मम्मी ने ये मिर्च रेडी कर दी। तो गाइस मैं आपके लोगों के साथ कर रही हूँ अब दाल की रेसिपी शेयर, जो कि मेरी दीदी बना रही हैं। तो उन्होंने अभी लिया है कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल, और इसमें डाला है हींग। और हींग गाइस जो हाथरस की हींग बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस वही हींग डाली है हमने, और अब इसमें डाल देंगे हम जीरा। तो ये जीरा अब डाल दिया है, तो जीरा चटकने के बाद उसके बाद उसमें डाल दी है अनियन। आज दीदी बोल रही थी कि अनियन वाली दाल खाएंगे क्योंकि डैडी हम लोगों के थोड़ा अनियन को अवॉइड करते हैं। तो दीदी ने पहले से ही डैडी की दाल निकाल दी है, वो अलग से फ्राई करेंगी, और ये हम सब लोगों की। तो हम सब लोग बच्चे लोग जो हैं वो मम्मी हम सब लोग तो खा लेते हैं, लेकिन डैडी जी थोड़ा नहीं खाते हैं प्याज वगैरह, तो उनके लिए दीदी अलग से दाल फ्राई करेंगी। ये हम लोगों की दाल फ्राई हो रही है। तो अब उसके बाद दीदी को थोड़ा, जब दीदी दाल बनाती है ना तो उनको थोड़ा मतलब कलर वलर बहुत पसंद है कि हाँ कलर में दिखनी चाहिए बहुत अच्छी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाली है अभी तो। और अब उन्होंने डाल दिए हैं टमाटर और हरी मिर्च, और इसमें हरी मिर्च के साथ डला हुआ है कड़ी पत्ता, वो बोलते हैं ना कड़ी पत्ता जो होता है, तो उसको दीदी ने नाइफ से कट 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 कर करके ऐसे करके डाल दिया है। तो क्योंकि कड़ी पत्ते की जब दीदी लीफ डाल देती है ना तो फिर सब लोग ऐसे दाल में सब लोग अलग करके रख देते हैं, तो वो ऐसे करके कट करके डालो तो फिर सब लोग खा भी लेते हैं। तो अब जो ये फिर से दीदी ने रेड मिर्च पाउडर डाला है, और अभी इस टमाटर को जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद करेंगे कुछ। तो अभी ये दीदी ने डाला है धनिया पाउडर, और अब डालेंगे दीदी दाल का मसाला। गाइस दाल बनती है तो दाल का मसाला तो डलता ही है, और धनिया पाउडर वगैरह ये सब जो मसाले हैं वो सब तो डलते ही हैं, सब्जी बनाओ दाल बनाओ। तो अब दीदी कर रही हैं इसको थोड़ा मतलब मसाले वगैरह भून जाएँ अच्छे से। तो अब जब ये सॉफ्ट हो गए हैं तो अब दीदी ने इसमें जो दाल थी वो कुकर में जो सीटी लगा के रखती थी वो अब कढ़ाई में ऐड कर दी है, और अब इसको चलाएंगे। और जब इसमें गाइस एक खदक आ जाएगी मतलब ये थोड़ा खोल जाएंगे तो हमारी दाल रेडी हो जाएगी। गाइस आज ये गाइस आप लोग खाना है, हम लोगों ने खाना खा लिया है, और खाना बहुत ज़्यादा लजीज बना था, और उसके साथ में जो मम्मी ने हरी मिर्च बनाई थी ना उसके साथ तो मज़ा ही डबल हो गया था। गाइस आपको दिखा दूँ ये चीज़, आपको ध्यान होगा कि ये जो पेपर कप था मैंने बनाया था, तो इसमें कुछ मैंने थोड़ा मतलब अपने आइटम रख दिए हैं। तो ये है रिंग, और ये है कुछ माला, और ये है एक बारबी, और ये सेम वही माला, और इसमें कुछ मोती हैं आप देख लो, तो ये सब मुझे रखने का बड़ा अच्छा आइटम लगा। तो मैं वैसे मोती वोती को किसी डिब्बी में रख लेती थी, तो मैंने सोचा कि ये कप खाली रखा हुआ है तब से इसमें क्या रखूँ, तो मैंने उसमें कुछ मोती वगैरह ये रख रखे हैं क्योंकि ये सब क्राफ्ट में काम आते रहते हैं। तो यहाँ पर अब टाइम हो गया है रात की पूजा का। गाइस एक हम लोगों के यहाँ सुबह पूजा होती है, डैडी करके जाते हैं, और फिर सुबह मम्मी वगैरह तो कर ही लेती हैं डैडी के साथ ही, और फिर उसके बाद में होती है शाम को पूजा, शाम को दीपक जलता है मंदिर में,
और फिर उसके बाद जब डैडी आते हैं क्लिनिक से तो फिर डैडी अलग से अपनी पूजा करते हैं। तो वही मैं वीडियो आप लोग सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ डैडी का डेली का नियम है कि वो जब आते हैं तो प्रसाद डेली ज़रूर लेके आते हैं, कुछ ना कुछ, कभी बेसन के लड्डू, कभी गुलाब जामुन, कभी गुजिया। तो आज डैडी लेके आए हैं गुजिया, तो ये डैडी लगा रहे हैं भोग। गाइस मेरी डैडी जब आते हैं तो चाहे कितने भी थकी हूँ उनको ये करना ही करना है, मतलब पूजा करनी ही करनी है बहुत मन से। तो अभी डैडी लगा रहे हैं ढोक। तो ढोक हम लोगों को गाइस ऐसे ही लगाना चाहिए, पूरा अपने आप को समर्पण करके भगवान को। तो अभी मम्मी ले रही हैं आरती और ये ले ली मैंने अभी। फाइनली अब आरती हो चुकी है और अब डैडी करने जा रहे हैं डिनर, और डिनर करने के बाद हम सब लोग सो जाएंगे। तो गाइस और यहाँ पर फ्रूटी मैडम हमारी पढ़ रही हैं अपनी डायरी। तो गाइस करते हैं ब्लॉग का एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बने रहना मेरे, और वीडियो को पूरा देखना और बने रहना मेरे यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।